Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And hello guys, welcome to my new vlog channel. में आपका स्वागत है. कैसे हैं आप? मैंने चलो आप चलते हैं लेकर आपको यमुना के डट के किनारे मॉर्निंग वॉक का मज़ा दिलाने के लिए. पहली सर्दी का पहला मज़ा. बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड है. मैंने चलो घूम के आते हैं, आपको भी यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं. और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा. देखिए जैसे यमुना का पानी कितना साफ बह रहा है, जिसे कभी समय में नदी नाले से ज़्यादा बदतर होता है, क्योंकि इसमें कूड़े करकट सब डालते हैं. लेकिन आज देखो, ऐसा लगा पर्यावरण कितना साफ सुथरा है, प्रदूषण नाम मात्र नहीं है. और देखिए पानी का कलरिंग देखिए, कितना बेहतरीन साफ सुथरा पानी है. मैंने आपको सुबह मॉर्निंग के बाद का नज़ारा दिखाया हूँ जाके. आपको वीडियो अच्छा लग रही हुई बहुत ज़्यादा,
और आशा करता हूँ आप आगे भी आपको वीडियो ऐसे ही भेजता रहूँगा। सर्दी में सवेरे में बैठे मज़ा आ रहा होगा, सवेरे में बैठे मज़ा आता होगा सर्दी में। कितना अच्छा मज़ा आ रहा चलने में। आपको बॉम्बे का मज़ा हमने दिल्ली में यमुना पुल पर दिखा दिया है। यमुना में बीच का मज़ा ले लीजिए आप, आपको बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है। और वॉकिंग का वॉकिंग और माइंड फिट और हेल्थ फिट दोनों चीज़ आपको यहाँ मिल सकती है। आप डेली आइए और मैं बिल्कुल पुल के किनारे पहुँच रहा हूँ। राम राम, कैसे हो? अच्छी हो, भजन करती हो, सब नाम क्या करती, नारी चाहिए, बढ़िया शांति। अच्छा, चलो ये उम्र में भजन करना ही चाहिए, बड़ी शांति है, भजन करने से ही शांति मिलेगी आपको। बड़ा ही अच्छा है, तू ही मेरा भजन करते करते समय व्यतीत हो जाए, सब नाम कृपा बनाए रखे। तो यहाँ पे कहाँ बैठती हो? ये भाई मंदिर वंदिर कोई और मैं आप कहाँ रहे? अपना मकान है आपका? नहीं मकान है। अच्छा धर्मशाला में इसमें रहती है मतलब? नहीं धर्मशाला नहीं खजूरा खा गया था दो चार दिन हुए। अच्छा उससे तबियत खराब इतना बड़ा था, मैंने सोचा कोई चीटा उटा खा गया, देखा तो कपड़े धारे तो उतना बड़ा निकला वो, तबियत खराब रही है। अब कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोटी वोटी खाती नहीं है, थोड़ा मोड़ा कोई कोई मिल जाता है दाल चाप नहीं लाए गंगा मैया बस कृपा बनाए रखे। तो मैं भजन करते करते ही मेरा समय वैसे करते करते मेरा समय में बड़ी आनंद है, जमुना मैया के किनारा है, बड़ी शांति है। नहीं नहीं सही, बहुत बढ़िया है। कभी कभी हरिद्वार से भी जाती हूँ,
ठीक है, ये रखो हम। देखा, मैं इस उम्र में भी बैठी हुई है यहाँ पे, और एक इससे एक वो मिलता है कि आप भी भजन के करो, माता रानी को याद करो, इनसे ही आपका उद्धार होगा। अब मैं आपको वीडियो में ले चलता हूँ आगे, वीडियो एंड होने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो ये प्रसाद यहाँ डेली लगाते हो आप? ये अच्छा, अंदर जाते होंगे? अच्छा, तो आप राजस्थान के रहने वाले हो? बीकानेर है, तो उधर भाषा आपकी उधर की लग रही है ना, इसलिए कह रहा हूँ। ये बहन जी यहाँ पे डेली यहाँ पे यमुना किनारे फूल माला बेचती हैं, और आप भी एक बार जरूर आइए यहाँ पर। दाना, बाजरा, दाल सब चीज़ मिलेगी आपको इसमें। ये आटे का क्या होता है? मछलियों के लिए। अच्छा, ये मछलियों के लिए आप ये यमुना में डाल सकते हैं। ये नारियल है, और प्रसाद भी ले आ सकते हैं घर पे आप। Bye guys.